श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भोले बाबा की जय। महान देवी मैया की जय। पथवारी के जल कुंड धाम की जय। परम पवित्र सभी आत्माओं को हृदय से वंदन करते हुए, नमन करते हुए, हमारे माता शक्तियाँ, हमारे देवतुल पुरुषों को, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, और हमारे मेले में हमारी माताएं सारी जो सेवाएं दे रही हैं, अपनी दुकान के माध्यम से भी सेवा दे रही हैं, हमारे संगीत में बड़े एनर्जी के साथ में हमारे जुड़े हुए भैया, हमारे सोनी जी, उनके साथ में उनके पवित्र जन, हमारे आचार्य विद्वान, हमारी माताएं, हमारे यजमान के रूप में माता जी, ठाकुर साहब, टेंट का काम देख रहे हमारे भैया, सब लोग बड़ी ही जिम्मेदारी से, हृदय से अपने आप को परोस रहे हैं। आइए हम भी इस वाणी को शुद्ध करने के लिए, कहते तन मन सबको शुद्ध होना चाहिए। जब आपका तन और मन शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो कार्य होंगे वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि मन से, वचन से और कर्मों से हमको पवित्र होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। आइए भगवान को हम याद करेंगे। उसके पहले कथा के प्रवेश में अपनी जन्म भूमि को हम तीर्थ बनाए, सच्चा स्वर्ग बनाए, इसके लिए एक निवेदन, एक प्रार्थना परमात्मा से, प्रभु हमारी जन्म भूमि को सच्चा तीर्थ बनाओ। अब राम जी के जन्म स्थल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जन्म स्थल हो गया है। क्यों? क्योंकि अब रावण एक नहीं है, अब हर हृदय में रावण विराजमान है। तो हर हृदय में यदि रावण विराजमान है तो राम भी अब ढेर सारे चाहिए। तो सबके नाम राम तो नहीं रख सकते, तो अब नाम जिसका जो हो, काम राम जैसा होना चाहिए। तो आइए एक पवित्र भाव के साथ, यही अयोध्या यही बनारस, सब लोग बोलेंगे हृदय से, यही अयोध्या यही बनारस, सब लोग बोलेंगे, हमारी माताएं भी, माताओं का काम हम कर रहे हैं, गीत गाने का काम माताओं का होता, भजन का, यही अयोध्या यही बनारस, यही अयोध्या यही बनारस, यही वृंदावन धाम है, यही वृंदावन धाम है, जान सके पहचान सके तो, 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 सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं, जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, 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 अनुभव की यह खान है, अनुभव की यह खान है, अरे यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है, यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है, जान सको पहचान सको तो, जान सको पहचान सको, सबके अंदर राम है, राम है।
सियाव रामचंद्र भगवान की जय हो। पिछले दिनों में हमने बड़े ही ऊर्जावान इस धरती पर, इस धरती माता की गोद में बैठ करके कथा श्रवण किया। सबने अपना हृदय परोस कर रख दिया, सबने अंतरतम से इस कथा को सुनने का प्रयास किया। परमात्मा ने हमें सौभाग्य दिया कि हम इस वाणी को शुद्ध कर पाए, आप लोगों के पास उपस्थित होकर के। निश्चित ही आप सब पवित्र आत्माएं यहाँ पर अलग अलग रूपों में विराजमान हैं और हम बारंबार आपको पुनः हृदय से नमन करते हैं। हम लोगों ने भरत जी के चरित्र के बारे में सुना। कहते हैं भरत जी जब राम जी को लेने के लिए संकल्पित होते हैं, संकल्पित शब्द का अर्थ समझिएगा, जब आपने तय कर लिया कि मुझे ये काम करना ही है, तो आप जब संकल्पित होते हैं तो संसार की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है, आपका सहयोग करेगी। हमारे तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जैसी हो भौतव्यता तैसी मिले सहाय। सहायता कैसी मिलती है आपको? अगर आपने सहडोल मार्ग का चयन किया है तो आपको सहडोल वाले ही दिखेंगे, सहडोल वाले ही सारथी मिलेंगे आपको। यदि आपने कटनी मार्ग की तरफ दिशा कर ली है अपनी, तो आपको कटनी जाने वाले ही मिलेंगे। कम मिले, ज्यादा मिले, लेकिन मिलते जरूर हैं। तो ये परमात्मा का बड़ा अद्भुत क्रम है, परमात्मा की बड़ी अद्भुत ऊर्जा है। आप जिस चीज को पाना चाहेंगे उसको कोई भी आपसे रोक नहीं सकेगा, उसको वो देने के लिए। और तो और बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे कलाकारों ने एक बात कही है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं, सच्चे मन से करना चाहते हैं, उसके लिए संसार की सारी शक्तियां आपके साथ मिल करके और कहती है, जाओ, सफलता जो है तुम्हारे साथ है। न हो साथ कोई, अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण छू मिलेगी। कोई साथ ना हो इसके बाद भी आपका संकल्प साथ होना चाहिए। अगर आपका संकल्प साथ है तो संसार का कोई व्यक्ति आपको सहयोग ना भी करे, कोई ना दे साथ तुम्हारा तो टूट मत जाना, कोई ना दे साथ तुम्हारा तो रूठ मत जाना। हम लोग रूठने मनाने में लग जाते हैं, क्या बताएं, कोई सहयोगी नहीं है। अरे आप पहले खुद का सहयोग करिए। भरत जी का सहयोग कौन कर रहा है? भरत जी का सहयोग कर रहे हैं उनके संस्कार, उनके संकल्प। आज भरत जी ने संकल्प लिया कि मैं अपने भैया को लेने जाऊंगा और जाकर के उनसे अनुरोध करूंगा कि भैया आपके बिना आपका ये दास अधूरा है। जहां राम की बात हो, जहां भरत की बात हो, वहां पर बिना द्रवित हुए कैसे रहा जा सकता है। हमने निवेदन किया है आपसे कि हमारे भरत लाल जी अपनी माँ को कोसते हैं कि माँ तू तो माँ कहलाने लायक भी नहीं है, तूने मुझे कलंकित कर दिया, मैं किस मुंह से तुझे माँ कहूं। लेकिन बड़े भैया के संस्कार हैं और चिंता होती है, अगर मेरे भैया को पता चल जाएगा तो वो नाराज होंगे। अरे एक और दृष्टांत आता है, शत्रुघ्न ने मंथरा को पकड़कर खींचा तो भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न मैं भी चाहता तो ये हूँ, लेकिन मेरे भैया राम को पता चलेगा तो बड़े दुखी होंगे कि मेरे भाइयों के ऐसे संस्कार हैं। ऐसे संस्कारों को सिखाने के लिए, राम कथा से राम बनाने के लिए इस संकल्प जो परमात्मा ने दिया। निश्चित ही हमारे आपके जन्म जन्मांतर के कोई संबंध होंगे जिसके कारण, देखिए कितना बड़ा गांव है, क्या सब लोग उपस्थित हो पा रहे हैं?
सब लोग उपस्थित नहीं हो पा, और तो जिन लोगों को आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं आना था नहीं आ सकते थे, वो हमारी माताएं मेला में बैठ करके कथा सुन रही, हमारे दिव्य पुरुष लोग जो है मेला में दुकान लगा कर कथा सुन रहे, भैया लोग भजिया से आ गए संगीत देने के लिए निस्वार्थ भाव से, कुछ मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, कितना अद्भुत भाव है। ये भाव सब में नहीं होता है, ये भाव तो सूर्य की कोई ऐसी संतान होगी। आज कथाओं की कमी नहीं है, हम बार बार निवेदन करते हैं, कथाएं तो ढेर सारी हो रही हैं, कथाओं में कमी एक आ रही है कि हृदय से हृदय का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, हृदय से हृदय को जोड़ा नहीं जा रहा है। सबको यह बोला जाता है कि आप जितनी महंगी कथा सुनेंगे, जितनी ज्यादा दक्षिणा देंगे उतना असर करेगी, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे आप सिर्फ अपनी मुस्कुराहट दे करके जाना, अपने पवित्र कर्म दे करके जाना, मुझे आप किसी तरह की कोई दक्षिणा मत देना, लेकिन इसके बाद भी कथा का सारा हृदय में आपके उतरेगा, सारा सार उतरेगा। क्यों? क्योंकि ये कथा त्यागी जी नहीं सुना रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। त्यागी जी के साथ में कोई ऐसा है जो परोस रहा, आप थोड़ी सुन रहे हैं, आपके अंदर कोई ऐसी दिव्य आत्मा जो बैठी है जो इसको सुन रही है, हमारे अंदर कोई ऐसी आत्मा है जो आपको सुना रही है। ना मैं वाणी हूँ, ना मैं वचन हूँ, ना मैं कर्म हूँ, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही करा रहे हैं। रामस्य वचनम श्रुत्वा भरता प्रत्युवाच किम मे धर्मात्विहीनस्य राजधर्मा करिष्यति। कहते हैं रामचंद्र जी की बात को सुनकर के हमारे जो भरत लाल जी हैं वो दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा भैया भरत, मैं तो 14 वर्ष के लिए बंधन में हूँ, मेरा बंधन है 14 वर्ष के बाद मैं जरूर पहुंचूंगा बिना विलंब किए। राम जी है ना, राम जी चाहे तो पल में सब कुछ संभव है, क्योंकि राम जी ब्रह्म हैं। ब्रह्म होने के बाद भी उन्होंने एक साधारण से मानव के रूप में अपने आप को अवतरित किया। क्यों? क्योंकि संसार को सुधारना है, संसार को जब आप सुधारने में लग जाते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ी है, संसार सुधारने में नहीं सुधरता है, संसार आपके सुधार से सुधरता है। आप सुधरेंगे तभी संसार सुधरेगा, आपको देख करके संसार बदलता है। दुनिया नकल करने वाली है, ध्यान रखिए, दुनिया अकल लगाने वाली नहीं है, दुनिया आपको देखती है, जैसा आप करेंगे, जैसा टीवी में बच्चे देखेंगे वैसे हो जाते हैं। सासतो अयम सदा धर्मा स्थितो या सुन सर्वधम ज्येष्ठ पुत्रे स्थिते राजा नकियान भवे दिपम। कहते हैं जो हमारे कुल खानदान में है ना, बड़ा भाई राजा बनता है। ऐसा भरत जी राम जी से बार बार निवेदन करते हैं कि भैया अपने कुल खानदान की तो मर्यादा है ना, आप तो सब जानते हैं, लेकिन हमने आपसे कल निवेदन किया था कि रघुकुल की जो परंपरा है वो रिश्ते नातों से भी बढ़कर है, कुल खानदान की जो परंपरा होती है वो रिश्ते नातों से ऊपर होती है, रिश्ते नातों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर कोई गलत करे तो गलत के लिए आप गलत बोलें, ये गलत है, और जब कोई सही करे तो भी बोलिए ये सही है। अगर आपने सही को सही नहीं बोला, गलत को गलत नहीं बोला, तो निश्चित मानिए कि आप समाज के सबसे बड़े शत्रु माने जाएंगे। आज आपको भले कोई अच्छा बोल दे, लेकिन एक इतिहास जब बनेगा तो जटायु को भी याद किया जाएगा, रावण को भी याद किया जाएगा, सबरी को भी याद किया जाएगा, और मंथरा को भी याद किया जाएगा, आपको भी याद किया जाएगा, हमको भी याद किया जाएगा, और जब आपको और हमको याद किया जाएगा तो इस बात को बताया जाएगा कि आपने अच्छे काम में कितना सहयोग किया। जब हम फोटो खिंचवाते हैं ना तो लोग कहते हैं बाबा जी फोटो के बड़े प्रेमी हैं, फोटो के प्रेमी नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन स्मृतियां श्रुति स्मृति, आज रामायण क्या है, ये हमारी श्रुतियां हैं स्मृतियां हैं। अगर ये नहीं लिखा होता, उन्होंने सिर्फ बोलकर सुना दिए होते तो जितने लोग थे वो सुन रह जाते बस। अरे आप अपने बप्पा जी की फोटो देखना चाहें तो आपके पास कोई विकल्प है?
बोले हमारे पिताजी थोड़ा एक्टिव नहीं थे तो फोटो नहीं खिंचवा पाए बब्बा जी की, आप भी एक्टिव रहिए। मैं तो भैया एक्टिव हूँ, मेरे पास में जो है कोई बोलता भी बाबा जी बहुत फोटो खिंचवाते हैं, हाँ भैया हम तो खिंचवाते हैं, हम तो सबके साथ खिंचवाते हैं, हम तो कचरा लेके भी खिंचवाते हैं, ठीक है ना। तो इस समय बहुत परेशान नहीं होना, जिस समय जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उन अच्छे कार्यों में शामिल होइए। अरे आज सरकारें बोल रही फोटो खींच के भेजो, अभी हमारे कोदूपुरी जी यहाँ पर ड्यूटी करते हैं सरकारी, उनको पूछो, उनको व्हाट्सएप में वहां पर रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। त्यागी जी को तो खराब कह दो कि बहुत फोटो खिंचवाते हैं, कोदूपुरी जी को भी खराब कहो बहुत फोटो खींच, अरे स्कूल वालों को बोला जाता है कि फोटो खींच के भेजिए कितने बच्चे आए आज बताइए। अरे आप लोग आदेश पर काम कर रहे हो, मैं परम पिता के आदेश पर काम कर रहा हूँ, आप मजबूर होकर के काम कर रहे हैं, मेरे सामने मजबूरी नहीं है, मेरे सामने तो परमात्मा का आनंद बरस रहा है। आप कब करते हैं, जब आपको आपके साहब का आदेश मिलता है या घर में किसी का आदेश मिलता है, मैं तब करता हूँ जब मेरे परमात्मा मुझे प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि त्यागी जी ये काम आपसे कराने का जो है हमने संकल्प ही रख लिया है, हमने कभी प्रवचन करने का नहीं सोचा था, क्योंकि हमसे तो कुछ ये सब होना नहीं है, कौन 5 घंटे 6 घंटे चिल्लाएगा कुछ बिना प्राप्त करने के लिए। अरे कुछ मिलना जुलना हो,